काजा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेढ़ी के सैकड़ों ग्रामीण वर्तमान सरपंच तारकेश्वर विजय पटेल के खिलाफ साजा जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां भूपेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में शौचालय के राशि और अन्य विकास कार्यों के राशि का फर्जी तरीके से निकालने के आरोप लगाते हुए सीईओ को ज्ञापन सौंपे और रविंद्र चौबे जिंदाबाद के नारे लगाए, सरपंच तारकेश्वर विजय पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाए। बेमेतरा से संजू जैन की रिपोर्ट। सूचना के अधिकार से निकाले तो 55 लाख रुपया करीबन बने ही 459 शौचालय सूचना के अधिकार के तहत तब पता चली, लेकिन ग्राम के जिन सरपंच है वह ये बोल रहा है कि पैसा आए नहीं है, सब आदमी पूछा तो वही बोल रहा है, लेकिन आज पता चली सूचना के अधिकार में कि पूरा शौचालय पैसा आ गया है और हितग्राही कोई मिले नहीं है और 14 वित्त 15 वित्त के पूरा गबन हुए हैं। आज से कम 60 लाख के 14 वित्त 15 वित्त के पैसा आए हुई, वो में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के काम हुए हुई, वो खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं हुए हैं, बस बाकी कागजी हो गए। क्या ताकेश्वर विजय पटेल पैसा भर के क्या है? अच्छा। अब वो देख लाया लड़के मन जान ही 3 ठन सेफ्टी बने हैं। अच्छा। 3 जन के बने हैं, सरपंच है बोला थे पैसे नहीं आए कि शौचालय बनाने के लिए जो सरकारी पैसा आया है वो सरपंच के द्वारा हम लोगों को नहीं दिया गया है, उसके लिए शिकायत करने के लिए आए हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत में ये लोग जानना चाहते हैं कि 2014 से 21-22 तक के 14 वित्त 15 वित्त का निर्माण का जो फर्जी ढंग से किया गया है, इस प्रकार से ये लोग गमन का आरोप लगाते हुए आवेदन दिए हैं कि राशि की दुरुपयोग किया गया है। तत्संबंध में हम जो निश्चित ही तत्कालीन सरपंच सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ जो आवेदन मिला है उसमें जाँच करवाएंगे।